नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस के जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट। दोस्तों एक मोस्ट अर्जेंट नोटिफिकेशन आया है पीजे रोहतक फॉर एडमिशन के रिगार्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस अर्जेंट नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल मिल सके। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह आप देख सकते हो, हम उनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक ऑफिस ऑर्डर आया हुआ है। इसमें उन्होंने कहा द फ्लोइंग कैंडिडेट हु हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू MD MS कोर्स मेंटेन अगेंस्ट देयर नेम ड्यूरिंग द काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड एंड स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड ऑफ द सेशन 2020। दे हैव बी डिपॉजिट द कॉलेज फीस एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन द अकेडमिक ब्रांच PGIMS रोहतक। All the following candidates are hereby directed to submit their migration certificate in the academic branch within 10 days of joining the course। ठीक है जी। और all the candidates are directed to join their respective department with immediate effect। तो इसमें कहा है कि जो उनका MDMS का जो एडमिशन हुए हैं तो उसमें उन्होंने और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अकेडमिक ब्रांच में आपको जमा करवाने हैं, और साथ में आपकी ठीक है जी और आपकी फ़ीस भी जमा करानी है, और आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट एकेडमिक ब्रांच में विद इन 10 डेज में आपको जमा कराना है। तो इसमें कैंडिडेट्स की लिस्ट दी हुई है, ठीक है जी। आप देखते हो सीरियल नंबर दिया है, कैंडिडेट्स के रैंक दिए गए, कैंडिडेट नेम दिए हैं, अलॉटेड कैटेगरी कौन सी उनकी, अलॉटेड कोर्स कौन सा है, राउंड कौन से में उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है जी। तो ये आप दे सकते हो पूरी लिस्ट दी हुई है कैंडिडेट्स की, आप इसमें अपना नाम दे सकते हो कौन सी लिस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है राउंड में, ठीक है जी। SC BC UR और सारी कैंडिडेट कैटेगरी के इसमें कैंडिडेट्स का इसमें हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो टोटल कैंडिडेट्स है इसमें 138, ठीक है जी। 138 कैंडिडेट हैं, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट और फीस जमा करवानी है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन था विन इन 10 डेज। तो ये आप देख सकते हो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया 2 जुलाई 2020 को, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर करें, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।